जैसे जैसे नगर निगम चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे विधायक अमित विज की खामियों को लेकर लगातार कोई ना कोई मामला सामने आ रहा है। वहीं इन दिनों विधायक अमित विज का कार्टूननुमा वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संबंधी जब पूर्व कैबिनेट मंत्री मास्टर मोहन लाल से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि जब विधायक अमित विज को कांग्रेस द्वारा अपना उम्मीदवार बनाया गया था, तब लोगों ने विधायक की मासूमियत और पढ़ा लिखा नौजवान देखकर उन्हें वोट दिए थे कि विधायक पठानकोट का विकास करवाएंगे और युवाओं के बारे में सोचेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं के बारे में सोचना तो एक तरफ रहा, आज पठानकोट का आलम यह है कि लोग सीवरेज युक्त पानी पीने को मजबूर हैं, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा है कि विधायक के ऐसे कार्टून नुमा वीडियो सामने आना कांग्रेस का फेलियर है, जिसका जवाब लोग आने वाले निगम चुनावों में देंगे। कहानी की शुरुआत एक भाई की दिल्ली से पठानकोट एंट्री से होती है। 2017 के इलेक्शन थे और तुक्के से पार्टी का टिकट मिल जाता है, लेकिन लोग तो इन्हें जानते नहीं थे, फिर वोट कैसे मांगे जाएं? तो फिर उस भाई ने ये सोचकर झूठे वादे कर दिए कि जनता तो बेवकूफ है, कभी रोजगार कभी विकास और कभी शहर की गुहार बदल देंगे कहकर वोट ले लिए। वोट के लिए खूब गिड़गिड़ाए भी, वोट लेकर विधायक बने तो फिर खुशी से नाचे भी, फिर चेले भी इस खुशी में शामिल हो गए। लेकिन सत्ता में आने के बाद जनता के काम कूड़ेदान में डालकर शहर के लोगों को धौंस दिखाते हुए सताने लगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि दोनों भाइयों ने विकास नहीं किया। एक दिन दोनों ने आपस में चर्चा की और विकास करवाने की सोची। फिर क्या था, विधायक जी निकल पड़े विकास करवाने। और करोड़ों रुपए खर्च करके खुद के लिए शहर में होटल बनवा लिया। हुआ ना विकास विधायक और उसके भाई का। अभी विधायक जी आराम करने बैठे ही थे कि पता चला एमसी इलेक्शन आ गए हैं, जीतेंगे कैसे? लेकिन विधायक जी के लिए ये दाएं हाथ का खेल है, बस पुराने नेताओं के काम का झूठा क्रेडिट ही तो लेना है। उसमें ना तो मेहनत लगती है और ना ही फंड, चाहे वो नैरोगेज प्रोजेक्ट हो या फिर शहर में लगे वाटर ट्यूबवेल। विधायक जी ने एक एक करके सब प्रोजेक्टों का झूठा क्रेडिट लेना शुरू कर दिया, लेकिन हार का डर विधायक जी और चमचों को फिर भी सता रहा था। तो विधायक जी अपने चेलों के साथ पहुंच गए नगर निगम में दखल देने। फिर नगर निगम में शुरू हुआ वार्ड बंदी या कहें कि राजनीति का गंदा खेल, जहां कोई मेयर बनने के लिए तो कोई सिर्फ पार्षद बनने के लिए जोर तोड़ लगाता दिखाई दिया। दोनों भाई जनता के पैसे से खूब मौज कर रहे हैं। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन फिर आती है जनता की बारी, जब 2022 का विधानसभा चुनाव आता है। इस बार झूठे वादे काम नहीं आते हैं। इस बार जनता ने वोट नहीं बल्कि किसी और ही चीज से विधायक जी और चमचों का स्वागत किया है। अब
परदेशी विधायक का दिल्ली लौटने का समय आ गया है और चमचों के लिए अच्छा होगा कि वह भी साथ ही चले जाएं। हम तो चले परदेश, हम परदेशी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेशी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेशी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेशी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेशी हो गए। वीडियो देखी थी मैं भी अभी, और वीडियो जी बनी है मेरे ख्याल इस पर मेहनत भी काफ़ी की गई है, और ये पठानकोट दे विधायक दे ही फलूस नहीं उठे सारे इस पंजाब के अंदर। पंजाब च कांग्रेस के वैसे ही फलूस उठ चुके हैं। वो कहते हैं जी कि बई तालों खुंजी बांदरी ते कर दी ताल बताल। हूँ कांग्रेस ताल बताल कर रही है, बस कोई पल्ले रहा नहीं कुछ भी है। पंजाब च जिहड़े थोथे फोके झूठे वादे किए थे ना जी कांग्रेस ने, उसकी परछाई पठानकोट च भी अमित विज जो टिकट लेके आए थे तो पई सी, और लोगों ने बड़ी हमदर्दी उसके प्रति जाहिर की यार कि सोहना चंगा मुंडा है, ये पठानकोट के लोगों का विकास करेगा, पठानकोट की नुहार बदलेगा, पठानकोट को अगे लैके चलेगा, जोड़े पिछले MLA ने काम नहीं कर सके यही करेगा काम। लोगों ने विश्वास कर लिया वो, और कुछ उस वेले तत्काल जोड़ा MLA से अश्विनी शर्मा भारतीय जनता को उससे एंटी इनकम्बेंसी भी सी, वो खिलाफ भी सी मुहिज, पर चार साल बीतन तो बाद जोड़ा रिपोर्ट कार्ड अमित विज का MLA साहब का बनया वो तो जीरो जीरो है, बिग जीरो है। लोगों को पीन का पानी नहीं मिल रहा, सीवरेज मिले पानी लोगों मिल रहा है, पीन का सीवरेज युक्त पानी पीन का, इट इज़ ए क्रिमिनल नैगलीजेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द MLA। तुम अंदाजा तो लगाओ पीन का पानी ने शुद्ध मिले, और मैं बार बार कह रहा कि 68 करोड़ रुपया मैं सीवरेज का मैं आज तो 10 साल पहले मंजूर किया, पैसा लैके आया से काम शुरू हो गया, डेयरी वाल च ट्रीटमेंट प्लांट सीवरेज के पानी को साफ करने वास्ते बनना सी, ना वो ट्रीटमेंट प्लांट लगा ना पाइपां पईआं, वो पता नहीं लगा 68 करोड़ रुपया कितने चले गया। MLA साहब कहते मैं 117 करोड़ रुपया लै गया, मैनू भी नहीं लगा पता कि रौला ना पाओ। कांग्रेस के विधायक साहब को भी बेनती करना चाहना, रौला ना पाओ, ईमानदारी ना लोगों से खड़े होकर के अपन गल् करो, इधर उधर की बात मत करो। आपको ये बताना है लोगों को कि आपका और कांग्रेस का ये जो बेड़ा है डूबा है, क्यों डूबा है। अगर आपने काम किए तो लोग आपके साथ होने चाहिए, इस प्रकार के कार्टून तो नहीं बनने चाहिए थे ना। हमने 50 साल, मैं खुद मास्टर मोहन लाल ने 50 साल राजनीति की है पठानकोट च, 50 साल कदे झूठा वादा नहीं कीता, जो किया वो करके दस्या है। और अज सिर्फ तुसी सैंपथी लैन वास्ते, तुसी फलान करन वास्ते, टीम करन वास्ते, बस कुछ नहीं है जी। बस मैनू बड़ी निराशा हुई है, मैनू बड़िया उम्मीदा च गया कि नए युग का नया मुंडा MLA बनया, और असी भी चुप रहे अश्विनी शर्मा के नाल, और फिर अज 5 साल 4 साल बीतन के बाद दिवाला निकल गया, शहर का भी दिवाला निकल गया, MLA साहब का निकल गया, कांग्रेस का निकल गया। Once you visit this campus, your all queries regarding admission
shall be fulfilled. Do visit us before seeking additional annuity. कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए, उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम।